साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के ओखला थाने की पुलिस टीम ने हरियाणा से अवैध शराब की खेप दिल्ली लाकर झुग्गियों में सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। डीसीपी चिन्मय विश्वाल ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस की टीम ने तस्करी में इस्तेमाल की जाने वाली 3 गाड़ियां जब्त की है और 1500 से ज्यादा शराब के क्वार्टर बरामद किए हैं। जी सर, बताइए सर, जो शराब तस्कर पकड़े गए, क्या मॉडस ऑपरेंडी थी और किस तरीके से पुलिस शराब तस्करी करती? साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का थाना ओखला इंडस्ट्रियल एरिया का पुलिस चौकी ओखला के एक इलाके में, फेज 3 ओखला के इलाके में 28 तारीख शाम 5:30 बजे गुप्त सूचना मिलने पर वहाँ पुलिस ASI सतवीर अपने पुलिस टीम के साथ एक अबंडेंट बिल्डिंग के पास में पहुंचा, जहां पर पुलिस टीम ने देखा कि वहां पे 3 गाड़ियां, 3 कार वहां पर पार्क हुई है। एक फियाट पुंटो, एक मारुति एस्टीम और एक मारुति एस्टार गाड़ी वहीं पर रखी हुई है और फियाट पुंटो गाड़ी से दोनों गाड़ी में शराब की बोतल का पेटी ट्रांसफर किया जा रहा है। मौके पर से उनको गिरफ्तार किया गया, उनको दबोच लिया गया और बाकी पूछताछ में जो पता चला कि इसमें जो शराब का सप्लाई करने वाला अब्बास, फरीदाबाद का रहने वाला 34 साल का, वो शराब फरीदाबाद के गोडाउन से लेकर के अपने फियाट पुंटो कार में लेकर के ओखला इलाके में आता था। ओखला इलाके में जो झुग्गी क्लस्टर है वहाँ पर शराब बेचने वालों को वो सप्लाई किया करता था। उससे तोताराम 56 साल का, उसका बेटा प्रवीण अलियास बॉबी 27 साल का, ये दोनों हरकेश नगर में रहने वाले, ये रिसीवर थे, ये उससे शराब खरीदते थे और उनका एक डिस्ट्रीब्यूटर जिसका नाम बिपिन अलियास गब्बर, ये 26 साल का लड़का है, ये भी ओखला नगर में इन्हीं के घर पे किराए पे रहता है। ये तीनों मिलकर के इस शराब को झुग्गी क्लस्टर में बिकवाते थे। ये शराब तस्करी का एंटायर सप्लाई, रिसीवर और डिस्ट्रीब्यूशन चेन को डर से अपने घर में ये शराब को छुपा करके नहीं रखते थे, बल्कि जो 2 गाड़ियां हैं, मारुति एस्टीम गाड़ी और ए स्टार गाड़ी को ये गोडाउन की तरह इस्तेमाल करते थे। ये अबंडन बिल्डिंग के किनारे ये दोनों गाड़ी को पार्क कर लेते थे और उनको टाइमली एक आदमी भेज करके मोटरसाइकिल पे उस गाड़ी का डिक्की खोल के जितने बोतल उनको चाहिए उतना वो ले ले करके उसको बाकी आगे उसको सप्लाई किया करते थे। तो सर, ये अब्बास कितने दिनों से इस तरीके से तस्करी? अब्बास काफी दिनों से इस तस्करी में है, करीब 1 साल से ऊपर हो गया इस तरह से तस्करी, वो अलग अलग जगह पे किया है और उसने ओखला एरिया में कम से कम 6-7 बार इसी तरह से शराब सप्लाई करने का कुबूला है। पुलिस के अनुसार गैंग का सरगना अब्बास है, जो कम कीमत में सीधे शराब की फैक्ट्री से पेटियां उठाता था और दिल्ली के रहने वाले तोताराम के द्वारा ओखला की झुग्गियों में अवैध शराब की सप्लाई करवाता था। अब्बास मुंबई में फिल्म प्रोडक्शन लाइन में हाथ आजमाने गया था, लेकिन उस काम में असफल होने के बाद वह दिल्ली लौट आया और अपने प्रोफाइल को मेंटेन करने के लिए, शॉर्टकट से पैसा कमाने के लिए शराब की तस्करी के धंधे में जुट गया। जानकारी के अनुसार 10 से 12 रुपए का क्वार्टर खरीदकर 35 से 50 रुपए में सप्लाई करवाता था। तोताराम अब्बास का मेन रिसीवर था, जो बेटे बॉबी और सहयोगी विपिन उर्फ गब्बर की मदद से अवैध शराब की सप्लाई करवाता था। इनके निशाने पर ओखला की 52 झुग्गियां प्रमुख थी। इतना ही नहीं, गब्बर के द्वारा दिखाने के लिए रेडी पर पराठा बिकवाता और उसी की आड़ में शराब के पौवे भी बिकवाता था। विजय सिंघाल, यूनिवर्सल न्यूज़, दिल्ली।